क्यों मैंने बोला इन रिपेरेबल बिकॉज हम जब वाटर वेस्ट जो हो जाता है उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल है तो वाटर वेस्टेज मैं इतनी वाटर के बारे में बात क्यों कर रही हूँ बिकॉज जो यूनिट वन है इस बुक का द टॉक्स अबाउट एनवायरमेंट द टॉक्स अबाउट दी कॉन्शियसनेस टूअर्ड्स द एनवायरमेंट अराउंड यू एंड द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर एनी वन ऑफ अस इज वाटर वाटर के बिना हम अपनी लाइफ सोच ही नहीं सकते हैं थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोच सकते हैं बट देन हाउ मेनी ऑफ अस आर सेंसिटिव टूअर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ दिस एक्सट्रीमली प्रेस रिसोर्स ये जो चैप्टर है दिस टॉक्स अबाउट अ स्मॉल किड एंड हाउ इंटेलिजेंट ही वॉज एंड वॉट डज ही थिंक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल Uh, write up uh, the writer has shared a moment uh, a small memory from his uh, own life okay so but it's interesting title has chapter ka, little nino and my secret beard now nino is the name of the little boy and whose secret beard are we talking about that we will check out today स्टार्टिंग में तुम्हारे बुक में दिया हुआ है वाटर इज अ प्रेशियस रिसोर्स वी मस्ट नॉट वेस्ट इट राइट फाइव स्टेप्स दैट यू कैन टेक टू कंजर्व वाटर देयर कैन बी मेनी वेज टू कंजर्व वाटर यू कैन टर्न ऑफ द टैप्स यू कैन रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग बाथ और यू कैन रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ वाटर वेन यू आर वॉशिंग थिंग्स जो वेजिटेबल्स धोते हो घर में सब्जियां धुलती हैं फल धुलते हैं उस पानी को यूटिलाइज किया जा सकता है पौधों में डालने के लिए बिकॉज वो पानी एनी बहता है खाली बर्बाद होता है सो लाइक दिस यू कैन ऑल्सो मेनी सिंपल वेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड वी विल सी अ विक्स इयर ओल्ड लिटिल बॉय थिंक्स अबाउट दिस सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग सो वील स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन ऑफ योर Chapter. It says, the, read this autobiographical extract where Abid Surti, a well-known water warrior from Mumbai, plans to talk to his grandson about water conservation. So Abid Surti is a famous water warrior. Hai. Water warrior Matlab, one who is uh, uh, spreading awareness, motivating people to do conservation of water. Okay. Now let's see. Nino is barely six. That's his age. देट इज़ इफ़ यू गो बाई हिज बर्थ सर्टिफिकेट दैट मीन्स अगर नी, नीनो का क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में बात करो तो सिर्फ छः साल का बच्चा है इफ़ यू टेक इन टू अकाउंट हिज इंटेलिजेंस ही इज बियॉन्ड मोस्ट यंग एडल्ट एंड मैनी अडल्ट टू माई सेल्फ इंक्लूडेड एंड ही सेज कि वैसे तो नीनो एक छोटा सा छः साल का बच्चा है बट यदि उसके इंटेलिजेंस की बात की जाए तो ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं उनसे भी वो बड़ा है या फिर आबिद सुरती जो खुद एक एटी थ्री ईयर्स ओल्ड पर्सन थे वो कहते हैं कि कई चीज़ों में वो मुझसे भी आगे हैं मीन्स ही वॉज अ रियल इंटेलिजेंट चाइल्ड ओके एंड ही इज 83 थ्री आबिद सुरती जो राइटर हैं वो 83 थ्री ईयर्स ओल्ड हैं एंड द लिटिल बॉय कॉल्ड हिम डी वो अपने दादाजी को डीजे कहता था ना ऐसा क्यों कहता था लेट्स सी The first time I heard it I kept wondering why he used this acronym of disc jockey generally we call dj kise disc jockey ko bolte hain so abir surti was very confused the ki aakhir disc jockey wo mujhe he bolta hai dj kyon so he asked little nino why do you call me like this i am an author a painter and a cartoonist too but i have nothing to do with music so you ought to remember this

सो ही लाव्ट बिकॉज यू आर माई ग्रैंड पाई दादाजी तो दादाजी को शॉर्ट में वो बुलाता था डी जे ओके वेरी इंटरेस्टिंग नेम इन डीट बट वाई नॉट यूज सच अ स्वीट हिंदी वर्ड सो उसने बोला कि दादर उन्होंने बोला जो आबिद सूरती हैं कि अरे अरे भाई दादाजी इतना अच्छा सा प्यारा सा नाम है इसी को बुला लो मुझे डी जे क्यों बोलते हो So he said, to make my grandpa the DJ of 21st century. So he said, because grandpa, I want you to 21st century, ke grandpa bane. Okay, so that is why he lovingly called his grandfather DJ. Now, let's see. Ask Nino about any of his favorite subjects and his reply, replies will amaze you for sure. Ask him about the electronic devices in a pilot's cabin and he will tell you about the airspeed indicator and the altimeter. His favorite subjects are not only airplanes but also elevators, vehicles, computers and Indian trains. So, these topics may interest interest. Nino was too young to have interest in such complicated things, such high level machinery. दिस इज रियली इंटरेस्टिंग टू नोट कि इतना छोटा बच्चा और इतने हाई लेवल इंट्रिकेट मशीनरी में इतना उसको इंटरेस्ट था एंड ऑल्टीमेटर uh, क्या होता है अभी हम लेटर ऑन देखेंगे वील टॉक अबाउट दिस वर्ड वेन वी मूव टू द नेक्स्ट पेज बिकॉज दिस मीनिंग इज गिवेन इन योर बुक ड्यूरिंग द प्रीवियस विंटर वेकेशन वेन द फैमिली वॉज ट्रेवलिंग टू डेली ही बाई द राजधानी एक्सप्रेस तो प्रीवियस विंटर वेकेशन में जब पूरी फैमिली दिल्ली को जा रही थी डेली जा रही थी तो उसने कहा कि उसे राजधानी एक्सप्रेस से ही जाना है ना एज अ रीडर ऑफ द चैप्टर एज अ स्टूडेंट यू मस्ट रिमेंबर हिज इंटरेस्ट एरियाज यू मस्ट रिमेंबर कि कौन कौन सी चीज़ों में उसे इंटरेस्ट था लाइक दिस एयर स्पीड इंडिकेटर एंड द अल्टीमीटर इन पायलट्स के बिन दैन एयरप्लेन एलिटर्स व्हीकल्स कंप्यूटर्स एंड इंडियन ट्रेन तो ये तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए राजधानी एक्सप्रेस से जाने के लिए बड़ा इंटरेस्टेड था वो परहैप्स बिकॉज रिमेंबर दिस इंडियन ट्रेन में बड़ा उसे इंटरेस्ट था वेन वी गोट टू द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म द मोटरमैन वॉज चैटिंग नियर द इंजन विद द गार्ड ऑफ द ट्रेन नी नो वॉन्टेड टू पीप इनसाइड मोटरमैन केबिन वी कैप्टर लगेज अंडर आर सीट एंड आई टूक हिम देअ सो मोटरमैन यानी कि द वन हु रंस द ट्रेन Uh, उसके केबिन को देखने के लिए बड़ा इंटरेस्टेड था नीनो तो इन uh, दादाजी ने क्या किया कि उन्होंने सबने अपना लगेज रखा और फिर दादाजी उसको लेके गए मोटरमैन का केबिन दिखाने के लिए और मोटरमैन जो था वो ट्रेन के गार्ड से बातें कर रहा था वॉचिंग नीनो कीनली पीपिंग पीपिंग यानी झांकना इन टू द इंटीरियर द मोटरमैन वॉज इम्प्रेस्ड एंड टुक नीनो इन साइड फॉर अ क्लोजर लुक और इतने छोटे से बच्चे को बड़े ध्यान से उसके केबिन में झांकते हुए देखकर मोटरमैन बड़ा इम्प्रेस हो गया और नीनो को अंदर ले गया सो दैट ही कैन ऑब्जर्व एवरी केयरफुली एंड टू हिज फुल सेटिस्फैक्शन नॉट ओनली दैट ही एक्सप्लेन द वर्किंग्स ऑफ द कंट्रोल सिर्फ इतना ही नहीं मोटरमैन ने और भी चीजें समझाई कि कैसे वेरियस कंट्रोल्स वर्क करते हैं देन नीनो आज हिम एंड देन नीनो सरप्राइज्ड हिम विद हिज सो इज दिस राजधानी इंजन इंजिनाइव और मोटरमैन वॉज अमेज हाउ एवर इन डोरटो रियली सरप्राइज द मोटरमैन बाय हिज क्वेश्चन नो वैप फाइव एंड वैप सेवन क्या होता है ये जानने के लिए तुम्हें थोड़ा रिसर्च करना होगा इंडियन रेलवेज के बारे में सो वैप फाइव बेसिकली इज ब्रॉड गेज ए सी करेंट पैसेंजर ट्रैफिक इंजन सेवेंथ जेनरेशन ये वैप फाइव और वैप सेवन जो होते हैं वो अलग अलग जनरेशन हैं एंड डरोंटो एक्सप्रेस इज अ नॉन स्टॉप एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और डॉरोटो का बेंगोली एक्चुअली वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉन स्टॉप तो जब उसने पूछा कि डुरान्टो एक्सप्रेस में कौन सा इंजन uh, कौन सा यूज होता है इंजन देन एवरी मींस द मोटरमैन वाज कम्पलीटली शॉक्ड कि क्या पूछ रहा है इतना छोटा सा बच्चा ही हैड नेवर है सिक्स इयर ओल्ड नो इवन नो अबाउट इट फॉरगेट अबाउट आस्किंग कैसे पता चला इतनी सारी बातें इतना सारा इंफॉर्मेशन कैसे था उस छोटे से नीनो के पास आई एम श्योर मैनी ऑफ यू एंड इवन मी आई हैव ऑल्सो नेवर हर्ड अबाउट वैप फाइव एंड वैप सेवन सिंस Uh, I never thought about it. Perhaps you also never thought about this. But how could little Nino think of it? Let's check out. To be honest, I too goggled. Now, goggled is you know, shocked, extremely uh, surprised. At him in surprise. What is the secret of Nino's curious mind? From where does he collect so many facts and figures? From books, of course so here lies the secret for all of us to understand that we all need to read a lot. reading is such a delightful habit and good quality reading yani, good quality books are padhna itna zaruri hai chahe koi kisi bhi age group ka ho. okay. encouraged by his parents, he has cultivated the habit of reading. so his parents always encouraged him to read a lot. Nino at his besides Nino at his age is quite familiar with the internet google is his favorite source for all the queries that arise in his little mind when we fail to answer him he finds the answer via the search engine but his real secret is inquiry he will never accept any answer unless he is fully satisfied so children reading books and of course internet is such a boon you can गेट एनी इंफॉर्मेशन यू वॉन्ट कितना भी तुम्हें जानकारी चाहिए हो सब कुछ मिल जाएगा इंटरनेट पर ओनली इफ़ यू वॉन्ट टू गैदर सम कंस्ट्रक्टिव नॉलेज सम कंस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन तो नीनो के लिए बुक्स उसने बहुत पढ़ी थी उसके पेरेंट्स उसे बहुत इंकरेज करते थे एंड ऐट द सेम टाइम वो काफ़ी फेमिलियर था इंटरनेट से भी सो so गूगल में अपनी ज़रूरत की चीज़ें खोजना अपने रिक्वायर्ड क्वेरीज के आंसर्स खोजना रादर रिक्वायर्ड आंसर्स खोजना क्वेरीज के ये उसका बड़ा ही फेवरेट काम था हर वो आंसर जो उसे अपने परिवार के लोगों से नहीं मिलता था ही वुड रिटर्न टू गूगल टू गेट द आंसर टू दो क्वेश्चन ओके लेकिन इन सबसे बड़ी आखिर ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जो नीनो को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती थी एंड दैट वॉज द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी टेल मी भाई दिस टेल मी भाई एटीट्यूड

What interested me was this how to motivate little Nino to save water. It hadn't rained much lately. A water crisis not only in India but globally loomed large. Birds searching for water were dropping dead, cows and other animals were waiting to die in barren fields. Villages had begun migrating towards big cities for food and water. A very interesting thing is a water warriors Abid surti. तो आबिद सूर्ति को लगा कि क्या किया जाए कि लिटिल नीनो को मोटिवेट किया जाए कि वो वाटर कंजर्वेशन के बारे में सोचे कुछ तो करना पड़ेगा वाटर क्राइसिस इतना बड़ा क्राइसिस है जो सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और बर्ड्स जो हैं वो प्यास से मर रही हैं पानी नहीं मिल रहा है जानवर जो हैं वो बैरन फील्ड्स हैं कहीं कुछ घास नहीं उग रही है क्योंकि पानी नहीं है सफिशेंट रेन सफिशियंट नहीं है और कितने लोग हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं विलेजेस हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं सिंपली बिकॉज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर तो क्या किया जाए कि लिटिल नीनो के मन में ये बात बैठ जाए कि वाटर कंजर्वेशन करवाना है अच्छा क्यों इतना परेशान थे आबिद सूरती कि नीनो को ये बात समझ में आ जाए वाटर कंजर्वेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट है लेट्स सी आई फील दैट वंस नीनो वाज़ कन्विंस्ड ही कुड इंस्पायर हिज स्कूल फ्रेंड्स ही अगर एक बार नीनो को ये बात समझ में आ गई कि वाटर कंजर्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है तो वो अपने दोस्तों को भी कन्विंस कर लेगा इसके लिए आई एम अवेयर दैट चिल्ड्रेन नीड टू कैरी फॉरवर्ड दिस मैसेज बिकॉज दे आर द फ्यूचर एंड इन ऑथर को लगता था कि बच्चे ही तो फ्यूचर हैं तो यदि बच्चे इस बात को समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये बात अगले जेनरेशन में प्रोपोगेट हो जाएगी कि वाटर नीड्स टू बी प्रिजर्व इट नीड्स टू बी कंजर्व ओके आई एम ऑल्सो अवेयर दैट द मोमेंट आई ओपन माई माउथ आई शुड बी रेडी फॉर द इनोसेंट एंड अनप्रडिक्टेबल क्वेश्चन दैट अराइज इन द माइंड ऑफ टूडेज चिल्ड्रेन आई वुड है साथ ही साथ इन्हें यह भी पता था कि जैसे ही ये नीनो को वाटर कंजर्वेशन के लिए बोलेंगे तो ढेर सारे सवाल इनसे पूछेगा वो और छोटे बच्चे आज की जेनरेशन के बच्चे उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं सो ही वॉज ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन शेयरिंग दिस थॉट बट देन एट द सेम टाइम ही वॉन्टेड टू स्टे प्रिपेयर फॉर ऑल क्वेरीज दैट दिस लिटिल नीनो विल मेक ओके

कहीं कोई परफॉर्मेंस देने वाले होते हैं या हम एग्जाम देने वाले होते हैं तब हमें ऐसा फील होता है वैसा ही इनको फील हो रहा था एट दिस सुपर मेच्योर एज आई फेल लाइक अ स्टूडेंट हु बिफोर गोइंग फॉर इज फाइनल एग्जामिनेशन ट्राइज टू वर्क आउट पॉसिबल क्वेश्चन ना हाउ टू बिगिन सपोज आई टेक हिम टू अ रिलैक्स एनवायरमेंट लाइक द नियर बाई पार्क एंड स्टार्ट द कन्वर्सेशन ड्रामेटिकली नीनो डू यू नो दिस ईयर सो ही वॉज वंडरिंग कि कैसे बात शुरू की जाए नीनो से एक ऑप्शन है कि मैं उसे किसी अच्छे से पार्क में ले जाऊँ जहाँ खूब अच्छा ग्रीनरी हो बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो और वहाँ पे मैं अपनी बात शुरू करूँ कि नीनो तुम्हें पता है इस साल पानी की कितनी कमी हो गई है तो क्या ये वर्क करेगा क्या वो समझेगा बिफोर वी मूव अहेड हेयर आर द वर्ड्स दैट वी टॉक अबाउट ऑल्टीमीटर मीन्स ऊंचे पे उड़ रहा है मतलब घूरते रहना जिसे कहते हैं या आंखें खुली रह जाना आंखें फटी फटी रह जाना जिसे हिंदी में बोलते हैं एंड देर डेजअ थ्रेट यानी पानी की कमी पूरे दुनिया के लिए एक थ्रेट है एक खतरा है सो so, कैसे बात शुरू हुई लेट सी सिटी इन एफ्रीका कॉल्ड केप टाउन हैजर लेफ्ट फॉर ओनली थ्री मंथनली शूट बैक सो आई ट्राई टू फोर्स कन्वर्सेशन वुसीड तो इन्होंने सोचा कि ऐसे बात शुरू करेंगे कि पार्क में उसको ले जाएंगे और कहेंगे कि नीनो तुम्हें पता है साउथ अफ्रीका में एक सिटी है केप टाउन जहां पर सिर्फ अब तीन महीने भर का पानी बचा हुआ है तो वो क्या बोलेगा सो तो इस सो का क्या रिप्लाई देना है ये भी सोच रहे थे आप आबिद सूरती कि क्या बोलना है इन रिटर्न जब वो ऐसे बोलेगा सो जस्ट इमेजिन नीनो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स इफ वी फाइंड आउट देर विल बी नो वाटर इन आर लेक्स इन थ्री मंथ्स व्हाट विल हैपन टू द मिलियंस ऑफ मुंबईकर्स तो उन्होंने कहा कि एक बार सोचो नीनो कि अगर हमें पता चले कि हमें हमारे लेक्स में पानी नहीं होगा तो हम मुंबईकर्स क्या करेंगे अगर ये पता चले कि तीन महीने में हमारी सारी लेक सूख जाएंगी खाली हो जाएंगी या यूजलेस हो जाएंगी तो क्या करेंगे हम लोग तो उसका रिप्लाई क्या होगा नथिंग वॉट नथिंग सो ही इज जस्ट इमे ही इज जस्ट डूइंग द इमेजिनेशन ये सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि क्या क्या कन्वर्सेशन में क्वेश्चन हो सकते हैं नीनो के क्या उसका रिस्पॉन्स होगा तो अगर नीनो बोलेगा नथिंग तो आबिद क्या बोलेंगे वॉट नथिंग अरे भाई मैं बात कर रहा हूँ कि पूरा मुंबई अगर सूख गया तो हम क्या करेंगे ये नथिंग वी विल गेट बॉटल्ड वाटर टू ड्रिंक तो वो बोलेगा हाँ तो ठीक है अगर लेक में पानी नहीं होगा तो हम बॉटल्ड वाटर पियेंगे जो पैकेज वाटर आता है बट ऑल सिटीजन्स नॉट अफोर्ड इट बिसाइड्स वी नीड वाटर फॉर बेदिंग वॉशिंग क्लोथ कुकिंग गार्डनिंग सो उन्होंने कहा उन्होंने मन में सोचा कि फिर मैं इसका आर्ग्यूमेंट दूंगा कि बेटा लेकिन सारे लोग बॉटल्ड वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्लस सिर्फ पीने के लिए पानी नहीं चाहिए होता है पानी नहाने के लिए कपड़े धोने के लिए खाना बनाने के लिए गार्डनिंग करने के लिए हर चीज के लिए चाहिए बट वाय वरी नाउ वेन वी कम टू नो दैट अ फ्यू मंथ्स ऑफ वाटर लेक्स वी विल फाइंड अ वे राइट नाउ वी आर गेटिंग ट्वेंटी फोर आवर्स डे तो अब इस पर क्या रिप्लाई दे सकता है नीनो हाँ ठीक है ठीक है तो अभी हम क्यों चिंता करें अभी तो हमें पूरे 24 घंटे पानी मिल रहा है जब ये पता चलेगा कि बस तीन महीने और मिलना है तब सोचेंगे क्या करना है आई फाइनली डिसाइडेड टू अप्रोच दिस इशू ड्यूरिंग आर वॉक अराउंड द गार्डन आई इमेजिन आर कन्वर्सेशन और उसके बाद उन्होंने फाइनली सोचा कि गार्डन में जब वॉक करेंगे तब फिर इस इशू को हम छेड़ेंगे और कन्वर्सेशन कैसा रहेगा वो इमेजिन वो कर रहे हैं माई डियर नीनो अब दूसरे तरह से सोच रहे हैं माई डियर नीनो वॉटर स्कॉसिटी इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दैट यू हैव टू बी रेडी मच इन एडवांस यू हर्ड योर ग्रैंड मदर से सेन द हाउस इज ऑन फायर इट्स फ्यूटाइल टू बिगिन डिगिंग अ वेल और उसके बाद उन्होंने सोचा कि जब वो ऐसा बोलेगा कि 24 फोर आवर्स अ डे तो अभी पानी मिल ही रहा है तो हम क्यों सोचें तो उसे क्या समझाएंगे क्या लॉजिक देंगे अपनी बात से कन्विंस करने के लिए कि बेटा वाटर की जो कमी है जो वाटर स्कॉसिटी है ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये इतना आसान नहीं है कि तीन महीने बचे हैं अब बस कुछ इंजाम कर लें और काम खत्म एंड इसको बहुत पहले से प्लान करना होता है और पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है क्या तुम्हें अपनी ग्रैंड मदर की बात याद नहीं है जो कहती हैं कि वेन द हाउस इज ऑन फायर इट्स फ्यूटाइल टू बिगिन डिगिंग अ वेल दैट मीन्स जब घर में आग लग चुकी हो तब कुआं खोदने का कोई मतलब नहीं है मतलब आप तब आप कुआं खोदेंगे पानी निकालेंगे और घर की आग बुझाएंगे ये इम्पॉसिबल है तब तक घर जल के खत्म हो चुका होगा यानी अगर आपको अपने घर में आग लगने से बचाना है तो पहले से कुआं खोद कर पानी तैयार रखिए दैट इज वॉट इट मीन्स कि मुसीबत आने पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है हमेशा पहले से प्लान किया जाता है हमेशा एक प्री अरेंजमेंट्स किए जाते हैं किसी भी अनफोरसीन डिफिकल्टी को या इवन फोरसीन डिफिकल्टी को टैकल करने के लिए यू मीन वी शुड स्टार्ट डिगिंग अ वेल इन आवर कंपाउंड टुडे टू इट और उनको लगा कि इस पर तुरंत उसका जवाब होगा तो आपका मतलब है आज हमें कुआं खोदना शुरू कर देना चाहिए अपने कंपाउंड में अपने आंगन में कुआं खोदना शुरू कर देना चाहिए now before we move on to the next page here is the photo of the grandson and the grandpa dj and nino the image is there in your book on page number 3 you can check it out from there as well now now इन मेनी विजेज एन जी ओज हैलरेडी स्टार्टेड जगिंग लेक्स वेल्स क्लिनिंग रिवर्स एंड मेकिंग चेक डैम्स टू कैप्चर रेन वाटर दैट फ्लोज अवे टू दिस और उन्होंने कहा कि बहुत सारे जगहों पर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेश जो होते हैं उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है लेक्स बनाना वेल्स बनाना रिवर की क्लीनिंग और चेक डैम्स जो कि रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं ओके okay? बट डीजे वी लिव इन मुंबई अ बिग सिटी विथ टॉल टार तो उन्होंने कहा बट डीजे उनको ऐसा लगा कि वो बोलेगा कि बट डी जे यानी दादाजी हम मुंबई में रहते हैं यहाँ स्काई स्क्रैपर्स हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं हमें इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है यू आर एब्सोल्यूटली राइट सनी वी लिव इन अ टॉल टार एंड वी कैनॉट डिग वेल्स वी कैन इंस्टेट क्रिएट अ स्पेस फॉर वाटर हार्वेस्टिंग

हम वेल्स नहीं खोद के बना सकते हैं वी कैन नॉट डिग वेल्स बट वी कैन डेफिनेटली डू वाटर हार्वेस्टिंग और जो हाउसिंग सोसाइटी थी उनकी जहाँ वो लोग रह रहे थे उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने ऑलरेडी इस पे वर्क करना शुरू कर दिया था सो वाटर हार्वेस्टिंग इज कलेक्टिंग रेन वाटर ओके वंस ही वॉज विथ मी सोफा आई कुड गिव हिम सम आइडिया अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग इट सिंपली मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर एंड कीपिंग इट फॉर लेटर यूज so water harvesting simply means collecting rain water and keeping it for later use. I would then come down to the very basics how an individual can save a few drops of water and make a big difference. तो वो ये सोच रहे थे कि जब बात करते करते water harvesting तक बात आ जाएगी, तो फिर उसे बताना बड़ा आसान हो जाएगा कि water harvesting कुछ नहीं है, simply rainwater को collect करना और बाद में उसको इस्तेमाल करने के लिए और फिर उसके बाद वो बताएंगे कि कैसे एक इंडिविजुअल रेन वाटर कंजर्व हार्वेस्ट कर सकता है या सिंपली वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकता है तो ही हैड प्लान्ड एवरीथिंग कि कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट होगा और कैसे वो उसको फर्दर आगे ले जाएंगे ताकि वो अपनी बात फुल्ली कम्युनिकेट कर सकें नीनो को नीनोज स्कूल बस ड्रॉप हिम इन द इवनिंग एट इट्स टाइम फ्रॉम द बेल्कनी ऑफ आर अपार्टमेंट ऑन द सेवेंथ फ्लोर आई सो हिम एंटर द मेन गेट ऑफ आर बिल्डिंग एंड डैश फॉर द लिफ्ट और उन्होंने देखा कि बाल्कनी से अपने की नीनो की बस ने रोज के टाइम पे उसको घर पे ड्रॉप किया और जो मेन गेट था उससे वो दौड़ते हुए डैश इज रन वेरी फास्ट टू अ पर्टिकुलर थिंग तो वो लिफ्ट के लिए बिल्कुल भागते हुए गेट से आया सेवेंथ फ्लोर पे ये लोग रहते थे and then uh, i saw him enter we have already read this soon he was in the drawing room he kept his school bag on the side table and came to me looking pleased with himself or jaldhi who was in drawing room takachukadha or usnefnes school bag side miraka or a side table prakharadhar or banahi happy lagarathavo or grandfather se bola. guess dj he said sitting on the sofa to untie his shoelaces प्पी टुडे so तो उसने अपना बैठ के सोफा पे अपना शू लेसेस खोलने लगा और बोला डी जे गैस करिए आज मैं इतना खुश क्यों हूँ इतना ज्यादा खुश क्यों हूँ डिड यू विन द थ्री लेग ड्रेस तो उन्होंने कहा कि क्या तुमने आज थ्री लेग ड्रेस जीती है देर मस्ट भी सम काइंड ऑफ रेस फॉर किड्स ओह नो टूडे वॉज नो स्पोर्ट्स डे उसने कहा ओह कमॉन्ड डीजे आज कोई स्पोर्ट्स डे नहीं था देन वन ऑफ योर ड्राॅइंग्स वॉज डिस्प्लेड इन यूर क्लास रूम तो उन्होंने कहा मे oh, बी तुम्हारी कोई ड्रॉइंग क्लास रूम में दिखाई गई होगी तो उसने कहा बहुत बहुत क्लोज हैं आप डी जे प्लीज गेज द राइट थिंग ओके यू आर नीयरली करेक्ट ही सेट गेटिंग अप टू कीप हिज शूज एन द शू रैक देन ही अनाउंस प्राउडली और उसके बाद उसने बोला यू आर वेरी क्लोज डी जे और उसने उठ के अपने शूज शू रैक में रखे और आके उसने बोला कि डू यू नो ही देन प्राउडली अनाउंस द एसे दैट आई रोट टूडे इन क्लास गोट अ गोल्ड स्टार नॉट ओनली दैट आई वॉज आस्ड बाई आर टीचर टू रीड इट अलाउड टू द होल क्लास तो उसने कहा डीजे मैंने जो ऐसे अपने क्लास में आज लिखा था उसे एक गोल्ड स्टार मिला है और इतना ही नहीं मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि मैं उसे पढ़ के पूरे क्लास को सुनाऊँ एंड दैट्स वाई ही वॉज सो ओवर जॉयड ही वॉज सो डिलाइटेड Naturally, I got curious, so I asked, what was the topic you wrote on? Naturally, DJ ko laga ki patani kya tha tha. Bule, Bhai, kis topic pe tumne likha tha And guess what? The topic was water. Water, I echoed, forgetting my plan to take him to the garden. What had you written? And uh, Unalika, oh, water? DJ was like. चौक गए कि अरे वो तो पूरा दिन यही प्लानिंग कर रहे थे वाटर के बारे में बात करने का तो बोले वाटर क्या लिखा था तुमने वाटर के बारे में एंड क्या, क्या था हाउ किड्स कैन सेव वाटर बच्चे किस तरह से वाटर कंजर्वेशन में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नाउ आई वॉज मोर इंट्रीड एंड ही वॉज लाइक मोर इंटरेस्टेड अच्छा क्या हुआ बताओ क्या लिखे थे वेरी सिंपल वी कैनॉट सेव बिग रिवर्स बट सर्टेनली वी कैन सेव अ देखिये हम किड्स हैं हम बड़ी बड़ी नदियां नहीं बचा सकते हैं उनकी क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं बट हम पानी की कुछ बूंदे हर दिन बचा सकते हैं एंड आबिद वॉज रियली क्यूरियस नाउ सो ही सेड कि कैसे बताओ बताओ कैसे बचा सकते हो फर्स्ट इफ यू सी अ टैप लेफ्ट सो द फर्स्ट थिंग जो भूलने वाला व्यक्ति है जस्ट क्लोज इट अगर कहीं भी पानी टपकता हुआ दिखे कहीं भी कोई टैप अंडन दिखे पूरा बंद ना हो तो उसे जो है बस टर्न ऑफ कर दो इफ यू मेक इट अ हैबिट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन जस्ट अ ड्रेड ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर फ्रॉम गोइंग डाउन द ड्रेन और उसने कहा कि यदि आप इतना भी बस ये छोटी सी हैबिट अगर कोई कर ले कि जहां भी नल खुला हुआ दिख रहा है या पानी टपकता दिख रहा है उसे ठीक से बंद कर दे तो एट द एंड ऑफ द ईयर हंड्रेड ऑफ लीटर्स ऑफ वॉटर आपने बचा लिए होंगे सेकेंड वी टेक वॉटर बॉटल्स टू स्कूल वेन वी लीव स्कूल वि थ्रो अवेद रिमेनिंग वॉटर इन द बॉटल Instead we can water some ड्राॅइंग plants. तो so, उसने कहा कि दूसरा तरीका ये है कि हम हम सारे बच्चे पानी ले जाते हैं अपने बॉटल में और शाम को जो पानी बच जाता है उसको ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं तो यदि उस पानी को जो सूख रहे पौधे हैं जिन्हें पानी नहीं मिलता यदि वहाँ डाल दिया जाए तो पानी का एक और बेहतर यूज़ हो सकता है ट्री इन द स्कूल कंपाउंड उन्होंने कहा कि कोई प्लांट या कोई ट्री स्कूल में ही हो उसमें अगर वो पानी डाल दें तो ट्री को पानी मिल जाएगा और पानी का बेहतर फॉर माई बाथ इंस्टेड ऑफ यूजिंग दर बिकॉज दैट वेस्ट फाइव बकेट ऑफ वॉटर और नीनो ने कहा कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं घर में सिर्फ बाल्टी और मग यानी बकेट एंड मग यूज करके ही बस नहाऊंगा शावर से नहीं नहाऊंगा बिकॉज एक बार जब कोई व्यक्ति शावर से नहाता है तो कम से कम पांच बाल्टी पानी वेस्ट हो जाता है एंड इफ द सेम टेक्स बाथिंग हाफ बकेट में वो नहा सकता है फोर्थ इफ किड कैन सेव फाइव बकेट ऑफ वॉटर डेली अ ग्रोन अप लाइक यू कैन टू तो उसने कहा कि और लास्टली Uh, अगर मेरे जैसा बच्चा अगर पानी बचा सकता है तो आपके जैसा एक बड़ा व्यक्ति भी पानी बचा सकता है आई लाव्ड हबिट डेफिनेटली हंसे क्योंकि वो तो सारी दुनिया में अवेयरनेस फैला रहे थे पानी बचाने के लिए डोंट यू नो लिटिल वन आई एम अ वाटर वॉरियर आई डोंट टेक शार बाथ आई ऑलवेज यूज़ बकेट्स तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम नहीं जानते हो क्या कि मैं वाटर वॉरियर हूँ मैं तो हमेशा से बकेट्स यूज़ करता हूँ बिकॉज शार बाथ वेस्ट्स अ लॉट ऑफ वाटर

सो आई शॉट बैक इन नीनोज ब्लड स्टाइल तो इन्होंने डी जे ने भी बिल्कुल नीनो की तरह कहा तो, तो मतलब क्या करें इसके लिए इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्टिंग मी टू यूज वॉटर स्पेरिंगली ही आंसर फ्लैटली और नीनो ने यह नहीं कहा कि कम पानी यूज करिए कभी कभी यूज करिए उसने एक वन शॉर्ट आंसर दिया विच वॉज मीन्स एन ऑल टाइम सोल्यूशन टू दिस शेविंग वेस्टेज वेस्टेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग शेविंग ही फ्लैटली की बेड ही सेड दाढ़ी रख लीजिए शेविंग का टेंशन ही नहीं रहेगा और रोज इतना पांच बाल्टी से ज्यादा पानी भी बर्बाद नहीं होगा सिंस दैट डे लिटिल नीनो हैज बीन यूजिंग ओनली वन बकेट ऑफ वाटर फॉर हिज एंड बिलीव मी आई लुक क्वाइट हैंडसम इन माई बेड So he said, कि और उस दिन से लिटिल नीनो अपने लिए एक बकेट ही यूज करता है बात के लिए एंड आ बेद हैज स्टार्टेड की बेड ओके एंड यू कैन सी इट इन दिक्चर ऑल्सो सो वी रेड अ वरफुल लिटिल स्टोरी ऑफ अ लिटल जीनियस चिल्ड्रेन जीनियस होने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता है यू डोंट नीड अ मैजिक स्पेल you only need this spirit of inquiry you only need this spirit of being aware to your surroundings and learning from your surroundings read books use internet constructively and you will see that there is a nino in you as well and before we leave before i wind up today's lecture let's have a look at the life history or rather some details about abid surti so abid surti is a well-known author playwright and cartoonist who lives in mumbai he is also an environmentalist and works passionately to conserve water he was disturbed by the fact that a lot of uh, water was wasted daily due to leakages so he decided to offer door-to-door -door repair services in his locality along with a volunteer plumber this was the beginning of his ngo drop dead द प्राइज मनी विच ही रिसीव्ड फ्रॉम द साहित्य संस्थान फॉर इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर हेल्थ सेटअप दिस एन जी ओ तो एक ऑथर है प्ले राइट है कार्टूनिस्ट हैं आबिद और आबिद साथ ही साथ एक वाटर वॉरियर है एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो जगह जगह पानी टपकता रहता है लोगों के घरों में या ऐसे भी गवर्नमेंट टैप्स से उससे ये बड़े डिस्टर्ब थे और इसलिए उन्होंने एक वॉल्टियर प्लम्बर एक प्लम्बर ने जिसने खुद वॉल्टियर किया अपनी सर्विसेज उसको अपने साथ लेकर ये घर घर जाते थे कि अगर आपके घर में कोई पानी टपकता हुआ नल है तो प्लीज़ उसे रिपेयर करवा लीजिए मैं प्लम्बर लेके आया हूँ और ऐसा क्यों करते थे ताकि पानी की बर्बादी ना हो और इनको जो प्राइज़ मनी मिला था साहित्य संस्थान से फॉर हिंदी लिटरेचर

बहुत सारा प्राइज बहुत सारे इनाम पैसा सब कुछ जीता है आबिद ने ही इज अ वेरी फेमस फेस पीपल नो हिम कितने फेमस हैं ये तो इसी से समझ जाओ कि उनके ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट तुम्हारे बुक में प्रिंटेड है यट ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन ह्यूमिलिटी ड्राइव्स हिम और वो वो काम करने में हमेशा लगे रहते हैं जिसे वो बेस्ट करते हैं दैट इज हेल्प पीपल सेव वाटर so children a brilliant story and uh, much to learn from you got some tips i am sure to conserve water try to do some rainwater harvesting also and uh, use internet to find out what are the other ways to conserve water and above all take care till we meet next bye